अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज हम डाटा वैलिडेशन के बारे में सीखेंगे, ये कैसे काम करता है एक्सेल में। सबसे पहले डियर व्यूवर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोग हासिल कर सकें। हमारे पास ये कुछ फील्ड हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स। इस पर हम डाटा वैलिडेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोल नंबर करते हैं। रोल नंबर में डाटा वैलिडेशन लगाते हैं। डाटा इनपुट करने से पहले हमारे पास डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन कहाँ है, डेटा टैब में जाकर डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाकर अलाउ में यहाँ से हम कौन सी वैल्यू अलाउ करते हैं, होल नंबर की, और डेटा में जाकर हम यहाँ पे क्राइटेरिया हम पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बिटवीन लेते हैं यहाँ पर, और मैं मिनिमम वैल्यू देता हूँ 1 और मैक्सिमम वैल्यू 50। ओके करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 51 दूंगा तो क्या करेगा, ये एरर देगा। ये देखें हमारे पास ये वैलिडेशन रूल अप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास इनपुट मैसेज आए, डिस्प्ले करे कि ये इसमें क्या वैल्यू एंटर करनी है। उसके लिए फिर दोबारा से डाटा वैलिडेशन में जाते हैं, इनपुट मैसेज को क्लिक करते हैं और यहाँ पर टाइटल बताते हैं। मिसाल के तौर पर इनपुट बता देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैसेज बताता हूँ, एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 50। अब ये देखें हमारे पास ये इनपुट मैसेज आ रहा है, डिस्प्ले करा रहा है कि भी हम यहाँ पर वैल्यू क्या एंटर करेंगे। अब मैं दोबारा से रॉन्ग वैल्यू देता हूँ। अब ये हमारे पास जो एरर आ रहा है, इस एरर को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कैसे मॉडिफाई करेंगे, ये देखें डाटा वैलिडेशन में दोबारा जाते हैं, एरर अलर्ट में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टाइल है और ये मुख्तलिफ आइकन है, स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन, ये तीन आइकन है हमारे पास। हम स्टॉप का यूज़ करते हैं और टाइटल में क्या करते हैं, हम टाइटल बताएंगे एरर, एरर मैसेज में क्या बताएंगे, इनवैलिड वैल्यू, जो मैसेज हम देना चाहते हैं। ओके करता हूँ। ये देखें अब मैं क्या करता हूँ, कुछ वैल्यू देता हूँ और ये देखें हमारे पास एरर जो आया है, जो हमने मॉडिफाई किया था वही आ रहा है। टाइटल इसका एरर आ रहा है और इनवैलिड वैल्यू दिखा रहा है, और ये क्रॉस का निशान दिखा रहा है हमने जो अप्लाई किया था आइकन। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने इसकी फॉर्मेट की है, जो हमने इसकी वैलिडेशन की है, हम इसको क्लियर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो बताना चाहता हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाकर सेटिंग में ये देखें हमारे पास क्लियर आल लिखा हुआ है, तो हम इसको क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सारा क्लियर हो जाएगा इसे। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ओके कर रहा हूँ तो ये देखें ये क्लियर हो गया। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा से अंडू करता हूँ तो ये आने लग गया है दोबारा। अब इसको पूरे कॉलम पर अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग कर दूंगा नीचे, ये सारे कॉलम पर अप्लाई हो गया। अब हम टेक्स्ट वैल्यू पे काम करते हैं, इसमें मैं डाटा वैलिडेशन अप्लाई करता हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाकर सेटिंग में और टेक्स्ट लेंथ बिटवीन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं मिनिमम वैल्यू बताता हूँ 3 और मैक्सिमम 5, यानी मिनिमम 3 लेटर हैं और मैक्सिमम 5 लेटर हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ए प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें अभी नहीं लेगा, एरर दे देगा। अब मैं क्या करता हूँ, ASD प्रेस करता हूँ, ये देखें इनपुट ले लेगा। अब दोबारा से मैं 5 करेक्टर से बड़ा करके प्रिंट देता हूँ, इनपुट देता हूँ, तो ये क्या करेगा, हमारे पास एरर दे देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को डिलीट करने के बाद अब मैं इसको सारे कॉलम पे अप्लाई करता हूँ, ये देखें ड्रैग करके ये सब कॉलम पे, ये देखें हमें एरर देगा। ये देखें कोई भी टेक्स्ट दें, वैल्यू दें, टेक्स्ट वैल्यू ये देखें 5 था, इसने अप्लाई कर दिया, दे देंगे इससे ज़्यादा होगा तो ये हमें एरर दे देगा। अब हम क्या करते हैं, ये क्लास पे काम करते हैं। क्लास पे कैसे काम करेंगे, हम हमारे पास डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाकर सेटिंग में और यहाँ पर लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सोर्स में जाकर हम इसको क्राइटेरिया जो है हमने जो बताया हुआ लिस्ट का, ये देखें ये सेलेक्ट कर लेंगे सोर्स में कि भाई हम इससे ले, इन्हीं इनके अलावा वैल्यूज़ कोई ना ले, यही वैल्यूज़ ले, इसे ओके करता हूँ मैं। अब ये देखें मैं यहाँ से लिस्ट बन गई, अब यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी की वैल्यू दे सकता हूँ। अब मैं कोई और वैल्यू दे देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर MCS, वही भी वैल्यू देता हूँ, ये देखें एरर दे देता है। अब कैंसिल करते हैं इस वैल्यू को, मैं क्या करता हूँ डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अप्लाई करना चाहता हूँ नीचे सब पूरे कॉलम पर, अब ड्रैग कर देता हूँ, ये मेरे पास ये वैल्यूज जहाँ पर भी चाहूँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अगला क्या है हमारे पास,
डेटा वैलिडेशन के अंदर क्या है कि सर्कल इनवैलिड डेटा और क्लियर वैलिडेशन इस पे काम करते हैं। कैसे काम करता है ये, शीट थ्री में आता हूँ। ये मेरे पास कुछ डेटा है, इस पर डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। डेटा वैलिडेशन होल नंबर बिटवीन, अब मैं क्या करता हूँ, बिटवीन क्या है हमारे पास 1 to 50 कर देते हैं यहाँ से। अब ये देखें मुझे एरर शो नहीं करा रहा, हालांकि 50 से अबव वैल्यू मौजूद है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे जाकर डाटा वैलिडेशन पर सर्कल इनवैलिड वैल्यूज़ करता हूँ, तो क्या करेगा, ये सर्कल कर देगा जो इनवैलिड वैल्यूज़ है। इसी तरह मैं इनको क्लियर भी कर सकता हूँ। अब ये देखें नीचे ऑप्शन है क्लियर वैलिडेशन सर्कल, इसको क्लियर कर देगा। अब टेक्स्ट वैल्यू पे ये कैसे काम करेगा, टेक्स्ट वैल्यू पे सेम एज इट इज़ ये काम करेगा, कोई भी आप रूल बता दें इसमें। ये देखें अब इसमें ये हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लेंथ बताते हैं और इसमें मैं बताता हूँ 3 और मैक्सिमम क्या बताता हूँ 5 बताता हूँ। अब ये देखें मेरे पास, अब इसमें डाटा मेरे कोई शो नहीं करा रहा, क्या एरर है, क्योंकि हमने इनपुट नहीं किया, ये पहले से मौजूद था। अब हम क्या करेंगे, इसको सर्कल इनवैलिड डाटा यानी इनवैलिड वैल्यू जो है वो सर्कल कर देगा, रेड सर्कल। अगर मैं क्लियर करना चाहता हूँ तो ये क्लियर वैलिडेशन सर्कल कर देगा। ये था हमारा टोटल वैलिडेशन काम जो हमने सीखा, वैलिडेशन का ऑप्शन, डाटा वैलिडेशन को एक्सेल में। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पुट करें, हम इसका आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।